कोरोना काल में जहां पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रही है, तो वहीं गरीब बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए भोजन का इंतजाम भी कर रही है। फाजलपुरा में नगर निगम के पीछे खुले मैदान में मजदूर अपने परिजनों के साथ रहते हैं। काम और मजदूरी बंद होने से उनके सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई थी। इन परिजनों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी रहते हैं। यह बात CSP पल्लवी शुक्ला तक पहुंची तो उन्होंने सिंधु सेना के किशोर मुलानी से संपर्क किया। किशोर मुलानी अपनी टीम के साथ भोजन पैकेट पर फल लेकर तत्काल हाजिर हो गए। इनके बाद सिंधु सेना के सदस्यों और CSP की पुलिस टीम ने शामिल थाना प्रभारी अजीत तिवारी, शंकर सिंह चौहान ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोजन का वितरण किया और बच्चों को फल दिए। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हम सेना कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। जैसे ही बच्चों के हाथ में फल फ्रूट आए, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने महिला CSP को धन्यवाद कहा। कोरोना काल में पुलिस कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सारे प्रयास कर रही है और अपना सामाजिक दायित्व भी निभा रही है। लॉकडाउन के दौरान कई मजदूर गरीब लोगों को खाना मिल नहीं पा रहा था, तो आज हमने एक संस्था के साथ मिलकर CI चिमंडे, CI कोतवाली, हमारी पूरी टीम ने आज खाना गरीबों को बांटा है। ये किस प्रकार से करते हैं, मतलब कितने सहयोग लेते हैं NGO वगैरह किसी का? ये सिंधु सेवा समिति है, ये डेली भोजन वितरण करती है। ये लगभग 300 से 400 लोगों को देती है भोजन, तो आज हमारी तरफ से ये भोजन बांटा जाता है।